बहुत दिन हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर एक स्थान था सुदामापुरी, और इस सुदामापुरी में रहते थे सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे और उनके मित्र कृष्ण द्वारकाधीश। दीनदयालु कृष्ण की मित्रता ने सुदामा को गरीबी से छुटकारा दिलाया। समय बीत गया, सुदामापुरी का नाम पोरबंदर हो गया, और फिर नया राजवंश आया। पोरबंदर के राज दरबार में एक व्यक्ति थे हरजीवन गांधी, जिन्होंने 85 नायकनी पोल का ये मकान 1777 में खरीदा। इस कुंड में जमा किया हुआ बरसाती पानी गर्मी के दिनों में पीने के काम आता, परिवार वालों और पड़ोसियों की आवश्यकताएं पूरी होती। मकान की बनावट और कारीगरी पर उस समय की छाप थी, विभिन्न शैलियों का मिश्रण था। समय के साथ साथ परिवार बढ़ा। हरजीवन के पुत्र उत्तम चंद ने मकान में एक नया हिस्सा जोड़ दिया। उत्तम चंद पोरबंदर के दीवान थे, लेकिन वे वही काम करते जिसे सही समझते। उत्तम चंद के पुत्र करमचंद पिता के मकान और राजपथ के उत्तराधिकारी बने। करमचंद कबा गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सत्यप्रिय, न्यायप्रिय और ऊंचे विचारों के थे। 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 इस दिन इस स्थान पर जन्म हुआ मोहनदास करमचंद गांधी का। आप थे करमचंद और पुतलीबाई की चौथी संतान। पुतलीबाई बड़ी धर्म कर्म वाली थी। उनका समय पूजा पाठ, व्रत उपवास और संयुक्त परिवार की देखरेख में बीतता। तुलसी मां ने जीवन के शेष दिन यहां बिताए। वे और घर के दूसरे लोग मोहनदास को प्यार से मोनिया कहकर पुकारते। नन्हे मोनिया के लिए यह मकान एक अद्भुत संसार था। समान विपत पड़े हाजर रहो एवं दियो वरदान सियावर रामचंद्र की। भावुक और भोला बालक गलियारों और कमरों में भूत प्रेत की बातें सोचता। अंधेरे में वो बहुत डरता। रंभा इस घर में बरसों से काम करती थी। जय
वो कहती, बेटा डरो मत, राम का नाम लो, डर भाग जाएगा। भय कुछ भी नहीं है, केवल भय करने से भय है। जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पढ़ने के कमरे के पास ही फूलों के गमले थे। मोनिया अपने हाथों से उन्हें सींचता। मोनिया को 7 वर्ष की आयु में इस घर से जाना पड़ा। पिता करमचंद दीवान होकर राजकोट चले आए। कच्ची सड़क और बैलगाड़ी से यात्रा, उन दिनों पहुंचने में 5 दिन लगते। राजकोट में स्कूल के प्रारंभ के दिन और युवावस्था का पदार्पण। मोहनदास 13 वर्ष की आयु में पोरबंदर के इस पैतृक मकान में फिर वापस आए। अवसर था कस्तूरबा से उनका विवाह। विवाह के बाद वे राजकोट में रहने लगी, लेकिन पोरबंदर का मकान हमेशा ही परिवार का केंद्र रहा। पिता की मृत्यु के पश्चात काका से अनुमति लेकर मोहनदास बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। विलायत से वापस लौटने के बाद बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा गया, क्या वे एक मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका जाना चाहेंगे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ एक इतिहास बन गया, सत्याग्रह का जन्म। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का एक अमर अध्याय है। 1915 में पोरबंदर लौटने पर मोहनदास करमचंद गांधी का टाउन हॉल में भव्य स्वागत हुआ। प्रख्यात करनार आप महात्मा ने मान पत्र आपता आपने जन्मभूमि ना निवासी जनो तरीके अत्यारे हमारा। उस खड़ी से वे महात्मा, संत, राष्ट्रपिता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जननायक बने। 5 नवंबर 1916 कूच सत्याग्रह स्वतंत्र। 18 सितंबर 1924 21 दिन का उपवास आरंभ।
सत्याग्रह 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पर गांधी जी बंबई में गिरफ्तार 10 फरवरी 1945 आजादी। Some years ago, we made a trip with destiny. पोरबंदर में एक इतिहास ने जन्म लिया, एक सूरज चमका जिसने सारे संसार को नई रोशनी दी। बापू की वाणी जन जन के मन की प्रार्थना बन गई।